बज गए सुबह के 8:45 11 बजे, तो अभी चलते हैं भाई राइडिंग करने। तो थोड़ी लेट नींद खुली भाई, तो लेट हो गया, तो अभी चलते हैं बढ़िया राइडिंग करके आ जाते हैं, शाम को करेंगे वॉकिंग मस्त। राइडिंग स्टार्ट ट्रैक में, एंड सुबह ही कर लो ठीक रहता है यार, शाम को फिर दो चीज़ बटन एक साथ हो जा रहा है। तो छुट्टी थी इसलिए अभी निकल गए 8:50 8:55 को राइडिंग, मतलब 9 बजे शुरू हुई है भाई राइडिंग हमारी। चौक पहुंचने के बाद डिसाइड करते हैं मंगलू का चौथा चौक कि किस और जाना है। बागचोरा एंडिंग से हम निकल गए सेमरा वाले मार्ग में, ये ग्रीन्स कॉलोनी वाला मार्ग, तो इसी और राइडिंग में निकले हैं जितना इधर कवर कर सकें आज। तो भाई राइडिंग करते बस सेमरा एंट्री होने वाले हैं, एंड धूप काफ़ी है अभी, बट कोई नहीं भाई, शाम को भी ऐसे अच्छा ही है, अभी कर लें। ये देखो बस सेमरा एंट्री, राइडिंग करते भाई सेमरा के चौक पहुंचने वाले हैं, जहाँ से फिर टर्निंग लेके नगरनार वाला रोड है लेफ्ट हैंड की तरफ, बट हम चौक से ही हो जाएंगे यू टर्न, और फिर जो रह जाएगा शेष उसे करेंगे हम हाटगुड़ा की और मस्त। तो भाई सेमरा का ही हम इन राउंड मार लिए अप डाउन करके, मेरे पास से जो विकास नेक्स्ट जनरेशन जो कि आदेश्वर एकेडमी था पहले, तो वहाँ से 2-3 राउंड मार के अब फाइनली घर की ओर निकल पड़े, पहुँचने वाले बस ग्रीन्स कॉलोनी। तो बस ही बच गए हैं, घर पहुँचेंगे, नहा के रेडी होंगे, नाश्ता करेंगे, फिर कुछ काम है काम कर लेंगे, और तो फिर ऐसा कुछ नहीं। और आज है भाई काचन गादी, जिस पे एक छोटी सी कन्या जो है आज बस्तर के महाराजा कमल चंद्र भंजदेव जी को जो है बस्तर दशहरा मनाने की अनुमति देंगी, तो वो रसम आज है। फिर कल से जो है दशहरे का पर्व शुरू हो जाएगा भाई। वैसे तो बस्तर दशहरा सबसे फेमस है, 75 दिनों तक चलता है यहाँ पे, और यहाँ पर दशमी के दिन रावण वध नहीं किया जाता, रथ जो है रथ को चोरी करके जो है कुमरा कोट ले जाया जाता है, और दूसरे दिन फिर पूरे गाजे बाजे के साथ उस रथ को वापसी जगदलपुर लाया जाता है भाई। तो ऐसी परंपरा कई सदियों से यहाँ चल रही है, तो वो आज से भाई जगदलपुर में माहौल होने वाला है पूरा। राइडिंग करते भाई बस 1.5 किलोमीटर रह गया है घर, और फिर सीधे घर पहुंचते हैं अपन। काफ़ी धूप है भाई अभी, फिर थोड़ा सा बदली हो जाता है, फिर तो अभी बारिश हो जाती है, तो मौसम ऐसे ही रहता है जगदलपुर में। पूजा हो गई भाई हमारी, जय भगवान जी, जय बाबा जी। तो आज है भाई अमावस्या लास्ट, आज पितर पक्ष का, तो आज है पितरों की विदाई, और बस नाश्ता भी करते हैं, और फिर उसके बाद मम्मा जी को लेके जाना है 3-4 बजे। तो अभी थोड़ा सा काम वगैरह लेते हैं, नाश्ता करते हैं, देन फिर मिलते हैं आप लोग से। फाइनली शाम को निकल गए वॉकिंग करने, पहले भोलेनाथ के दर्शन, जल चढ़ाए, और फिर ट्रैक में आ गए वॉक करने। तो यहाँ अभी वॉकिंग कंप्लीट होगी नहीं, हाईवे जाना पड़ेगा, हाईवे से लालबाग, देन होगी वापसी, तब होगा भाई हमारा 8 किलोमीटर मस्त।
शिवरात्रि माँ दंतेश्वरी के मंदिर। तो ये माता रानी का श्रृंगार भाई, पहला श्रृंगार किन्नरों के द्वारा। जय माता दी भाई, पहला श्रृंगार हो चुका है आज माता रानी का। ये माई का दरबार
तो भाई साहब रात के बज गए 2:15 और अभी घर आए हैं। तो माता रानी के दर्शन हो गए, मई दंतेश्वरी के काचन गादी रसम हो गया, आज दशहरे मनाने की अनुमति मिल गई किन्नर समाज के द्वारा। माता रानी का पहला श्रृंगार दंतेश्वरी मंदिर में। तो अभी बस घर आए, तो अभी करते हैं इस ब्लॉग का एंड। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। तो कल मिलते हैं न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय भोले शंकर, हर हर महादेव।